संस्कृति कर्मी डॉक्टर राकेश भट्टी से साक्षात्कार करते हुए के डुकलान जी। आज मैं दून विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राकेश भट्टी से मुलाकात के लिए उपस्थित हूँ। तो भट्टी नमस्कार। नमस्कार डुकलान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझ तक पहुँचने के लिए। भट्टी, जैसा कि आपके जो ये लोक संगीत का कदम है, इसका प्रारंभ कब और कैसे? बहुत से वीडियो में इस बात का उल्लेख है कि बचपन से ही अपनी हॉबी रही, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अपने आप को इंगेज रखा, उनमें तल्लीन रखा। धीरे धीरे जब जैसे जैसे संस्कृति बोध होता गया, कला का बोध होता गया, संगीत का बोध होता गया, तो वही यात्रा चल पड़ी और धीरे धीरे करके युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ये अभी तक ये जारी। जैसे कि हम आपकी रचनाओं में देखते हैं कि जैसा गीत है, तो गीत रूप में नहीं, आपके गीतों में वो पौराणिकता, वो प्राचीनता, वो उदेड़, वो मयालुपन, इस तरह के आपके गीतों में झलकता है। आप सीधे ही आज का जो पसंद है इस तरह के गीत नहीं गाते। हाँ, ये क्या कर? तो वही अपने आप को थोड़ा हट करके इसलिए रखा है कि चूँकि रंगमंच का विद्यार्थी है और रंगमंच हमें यही सिखाता है कि मौलिकता आपको बनी रहनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके जीवन में मौलिकता का अभाव है, नकलीपन है, चाहे वो कला में है, चाहे वो जीने के स्टाइल में, चाहे वो किसी तरह से है, तो मौलिक तो मौलिक चीज़ होती है। और जो आप देखते हैं कि जिन चीज़ों को आपने पकड़ा है, पहचाना है, वो मौलिकता से भरे हुए होते हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो नाटक हो, जब तक उनमें मौलिकता नहीं होती तो उसका प्राणवायु काम नहीं करेगा। तो शायद कुछ लोगों को इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसके मूल स्वरूप को हम वैसे ही प्रस्तुत करते हैं, मूल स्वरूप के साथ आते हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि जैसा आजकल लोग कर रहे हैं, तो लोग को नकल कर रहे हैं, एक की नकल करी, दूसरे की नकल करी, तीसरे की नकल करी, और नकल का एक दिन ऐसा आता है कि वो नकल भी एक्सपोज हो जाती है, पता चल जाती है, लेकिन मौलिक चीज़ों की को नकल नहीं कर सकते हैं। मौलिकता मौलिकता होती है, वो आज हो, चाहे आज से 100 वर्ष पुरानी हो या आज से 100 वर्ष बाद, उसकी मौलिकता में कमी नहीं आएगी, उसके वास्तविकता में कमी नहीं आएगी, इसलिए बच गया। जैसा कि हम आपका जो पहचान बनी है नंदा राज जात और महाभारत के चक्रव्यूह मंचन से, और महाभारत का के चक्रव्यूह मंचन तो भारत उत्तराखंड ही नहीं, भारत के विदेशों तक पहुँच चुका है, इसमें आपने ख्याति अर्जित की है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ भी वही बात आती है, वो इसलिए ख्याति हुए हैं, ख्याति उनमें रही है कि वो मौलिक लक्षणों से युक्त है। नौटी में जो जागर गाए जाते हैं, नंदासण में जो जागर गाए जाते हैं, लाता में जो जागर गाए जाते हैं, नीति में, माणा में, या लाटू के जो जागर जो अपने वाण में गाए जाते हैं, उनको हम हूबहू अपने संगीत में डालते हैं। फर्क इतना है कि उनको हम थोड़ा संगीतबद्ध करते हैं, लयबद्ध करते हैं, और वो मौलिक रूप से लोगों तक जब पहुंचता है तो उसमें ख्याति होना बहुत बड़ा। आज के जो कलाकार हैं वो इस तरह की उनकी रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें नहीं हैं। एक कमरे में बैठ करके, एक रात में बैठ करके कागज़ में गीत लिख दिया, उसको किसी तरह से कंपोज कर दिया, रातों रात आप स्टार बन गए। उसमें विषय वस्तु क्या है इस बात का आपको ध्यान नहीं है, उसमें किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है उस बात का ध्यान नहीं है, विषय जहाँ से शुरू किया ख़त्म वहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात का ध्यान नहीं है, तो अमौलिक चीज़ों में चक्रव्यूह का आपने जिक्र किया या नंदा राजजात का आपने जिक्र किया, दूसरे और बहुत से नाटक हैं, हमने सबसे पहले उसका रिसर्च काम किया। तो जब तक आप रिसर्च ओरिएंटेड नहीं होते हैं तब तक आप उसकी प्रसिद्धि नहीं पा सकते। जैसा कि अभी आपने ढोल उत्तराखंड का वाद्य यंत्र, उसको आपने अपनी रचनाओं में, अपने गीतों में, संगीत में प्रमुख स्थान दिया, क्या उत्तराखंड के और वाद्य यंत्र भी आपकी रचनाओं के संगीत से जुड़े हैं? बिल्कुल, हमारा जितना भी प्रेजेंटेशन है, आप देखिए आज से 30 वर्ष पुरानी बात हो जाए आज की बात, हमने ढोल कभी नहीं छोड़ा, और ढोल के साथ
तब तक आप न्याय नहीं कर सकते जब तक आपको सम्मानजनक मंच पर उसको पहुँचा नहीं पाता। सिर्फ बातों में, सिर्फ भाषणों में ढोल बचने वाला नहीं, उसको सम्मानजनक मंच और हज़ारों दर्शकों के आगे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमने एक एक लाख दर्शकों के आगे ढोल को प्रस्तुत किया, तो वजह यही है उसके प्रसिद्ध होने के कारण उसको रखने का। जैसा कि अभी उत्तराखंड का सौभाग्य आपको लोक कला रंगमंच आप राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हुए, ये मेरे लिए, हम सबके लिए, उत्तराखंड को सभी संगठनों के गौरवान्वित की बात है। इसके आगे भी आपकी कोई योजना है लोक संगीत कला रंगमंच? योजना निश्चित रूप से होगी, जब इतना बड़ा सम्मान जब मिलता है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी होगी, और बड़ी जिम्मेदारियां जब मिलती हैं, सम्मान मिलने का मतलब ये होता है समाज, सरकार, शासन आपको ये मानती है कि समाज में आप जो भी कर रहे हैं वो आप जितना और करें उसको जिम्मेदारी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि वो सम्मान नहीं है, वो जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाना है और बहुत से काम करने हैं। ईश्वर ने सब ठीक रखा तो बड़े काम होंगे और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को दिलाने का अपना उद्देश्य है, और ऐसा बहुत से संभावनाएं हमारे उत्तराखंड के लोक संस्कृति में। आप जानते हैं कि जैसे रम्माण जैसी जो विधा है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, ऐसी बहुत सी विधाएं हैं, चाहे नंदा के जागर हैं, चाहे चंडिका के जागर हैं, तो लाटू के जागर हैं, और खंडवाणी जो हमारे जिसे चक्रव्यूह कहते हैं उसमें बहुत सी ऐसी विधाएँ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जिनको पहचाया जाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम प्रयास करें। तो चक्रव्यूह के बाद भी कोई दूसरी रचना आप देश समाज उत्तराखंड को? हाँ, चक्रव्यूह के बाद की बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे कमल व्यू उसके बाद आता है, महाभारत के आख्यान में उसे शकट व्यू भी कहा जाता है,